الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. आज दोपहर भी एक जगह बयान था तो इसलिए थोड़ा मुख्तसर बयान करेंगे इंशाल्लाह. गला तो बैठ ही जा रहा है रमजान जब से आया है. आज हमने सूरह शुआरा पढ़ी है, सूरह नमल पढ़ी है और सूरह फुरकान को भी खत्म किया है. तीनों सूरतें अहम हैं, तीनों के मजामीन बहुत अहम हैं. इतना वक्त तो नहीं होता कि सबको समेट दिया जाए. सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की कुछ अलामतें बयान की हैं कि हमारे नेक बंदे कौन होते हैं. वइबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौना. रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन में आजजी के साथ चलते हैं. सिर्फ एक मकाम पर तकब्बुर की इजाजत है, वो मैदान जिहाद, वहां अकड़ के चलो. या किसी दहशतगर्द से, डाकू से लड़ाई हो, वहां अकड़ दिखाओ. समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा जितने मकाम हैं वहां पर आजजी से चलने का हुक्म है. इन्नका लन तखरिकल अर्द, फरमाए ना तुम्हारे पांव में इतनी ताकत है कि जमीन के सीने को फाड़ दो और ना इतना ऊंचा सीना कर सकते हो कि पहाड़ की बुलंदियों से ऊपर हो जाओ, ये मुमकिन नहीं है. तो जितने हो इतने रहो. बॉडी बिल्डिंग करने वाले को देखा है ना आज, लड़के जिम क्लब में थोड़ी सी एक्सरसाइज की तो थोड़े से कट्स वट्स निकल आते हैं, सीना फूल जाता है तो बाहर पतली सी जर्सी पहन के निकलते हैं. मकसद यही होता है कि दुनिया हमारे सीने को देखे. तो एक्सरसाइज की है तो जिस्म की सेहत के लिए करो, शो मारने के लिए नहीं करो. सेहत अच्छी होती है, जिस्म ताकतवर बन जाता है, बस इतना काफी है. बाकी जितनी आगे की चीजें हैं ना उससे सेहत खराब होती है इंसान की, शोबाजियों से. तो रोड लाइनर बने हुए फिरते हैं. तो अल्लाह ताला ने फरमाया वइदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा. पहले तो उनकी चाल ऐसे होती है, दूसरी बात जब जाहिल इनसे बातचीत करते हैं तो सलामती की बात करते हैं, फजूल बहस में उलझते नहीं है. क्या मतलब? जब आप देखें आपका किसी से इख्तलाफ है, सामने वाले से अगर वो बात समझना चाह रहा है तो बात समझाई जाए उसको. बाज लोग समझना चाहते ही नहीं है. अब आप भी नीले पीले गुस्से में, वो भी नीला पीला, तो इससे वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं. और फिर दिलों में बोझ ऐसा पैदा होता है, एक दूसरे को गालम गलोच, यहां तक नौबत पहुंचती है कि वो आइंदा ना समझने की कसम उठा लेता है. इसकी तो माननी नहीं है, आप भी उठा लेते हैं. तो अल्लाह ने इस नौबत के आने से पहले पहले क्या फरमाया, जाहिल से बहस मुबाहसा मत किया करो. समझ रहे हो बात को? वक्त को बचाओ, जाया मत करो. अलबत्ता किसी जाहिल से लोगों के सामने मुनाजरा करना, क्योंकि उस जाहिल ने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है गलत दलाइल से या गलत तरीके से, तो इसलिए उसको सरेआम लोगों के सामने उससे मुनाजरा किया जाए, क्योंकि वो तो नहीं समझेगा लेकिन समझने वाले जो मजमे में होंगे वो समझ जाएंगे कि ये जाहिल था, ये गलत कह रहा था, बेवकूफ बना रहा था. तो ऐसी सूरत में बहस मुबाहसे की इजाजत है, बल्कि नीयत अच्छी हो तो ये मुस्तहब है, सवाब का काम है. समझ में आ रही है ना बात? जैसे मैंने एक दफा रखा था ना तलाक सलास के मौजू पर, तीन तलाकें, ये गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि एक होती हैं. तो यहां उन्होंने फतवे देना शुरू कर दिए तो मैंने बुलाया, भाई ऐसा नहीं है, बातचीत की तो समझ में नहीं आई बाज हजरात के. तो फिर खुद ही वो कहने लगे कि खुलेआम बात होनी चाहिए. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तलाक का मसला तो बहुत अहम है. हम ये कहते हैं कि एक मजलिस में तीन तलाकें दे दी तो बस बीवी मुकम्मल हराम हो गई, कोई गुंजाइश नहीं है.
और याद रखो किसी अहले हदीस से भी इस मसले में फतवा ले लिया तो बीवी हलाल नहीं होगी। मैं अहले हदीस को माज अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं समझता और ना उनको कोई मैं जहन्नमी कहता हूँ। फरोई इख्तलाफात हैं छोटे मोटे, रफुल देन ये सहाबा से चले आ रहे हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात हैं। लेकिन जहां मसला इजमाए उम्मत का आएगा, चंद मसाइल अहले हदीस के ऐसे हैं, ये खूब सुन लें। मेरे बयानात बहुत सारे अहले हदीस हजरात भी सुनते हैं पंजाब में और मुख्तलिफ इलाकों में, फोन भी आते हैं बास के, तो मैं उनसे भी ये कहता हूं कि ठीक है आपको हमारा अगर मजहब समझ में नहीं आता फिकह हनफी, आप अहले हदीस को फॉलो कर रहे हैं तो चलो कोई बात, कयामत के दिन अल्लाह अगर आपको बख्श दे तो हमें भी खुशी होगी। जहां चार हैं हनफी शाफी मालिकी हम भी हम्बली एक और सही, क्योंकि जो इख्तलाफ है ना आपस में वो फरोई मसाइल में है। हमें इत्मीनान इस पर इसलिए है कि भाई उसमें भी जाके जब तकलीद ही करनी है किसी मौलवी साहब की तो बेहतर नहीं है जो मजहब मुतदाविल है सदियों से चला आ रहा है ताबईन तब ताबईन से, तो उसको क्यों ना फॉलो किया जाए। लेकिन इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है, इसी वजह से अहले हदीस तबलीग में भी हैं बहुत सारे, खुद हमारे अकाबिर से बहुत से अहले हदीस बैत भी हुए हैं और उनको हमारे अकाबिर ने हनफी बनने पर मजबूर भी नहीं किया कि चलो भाई समझ में आ जाए तो आ जाना वरना चलो ऐसे ही सही। इसमें मोतदिल राय थी हमारे बुजुर्गों की। लेकिन याद रखो चंद मसाइल अहले हदीस के ऐसे हैं कि मैं उन हजरात से भी मैंने कहा है जो मेरे बयानात में अहले हदीस हजरात बैठते थे उनसे भी कहा है, चंद मसाइल ऐसे हैं उसमें अहले हदीस मसलक को फॉलो करना जायज नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल ही इजमाए उम्मत के खिलाफ है और उसमें कोई दलील नहीं है। उनमें एक अहम तरीन मसला है तीन तलाक का। एक मजलिस में तीन तलाकें दे दी, किसी हदीस में नहीं है कि वो तलाकें एक होंगी, सिर्फ एक हजरत रुकाना से हदीस पेश की जाती है, वो हदीस सनद के लिहाज से बे इंतहा ज़ईफ है, जबकि हजरत रुकाना से जो सही सनद से साबित है जिसके रावी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और सारे रावी उसके इमाम शाफी फरमाते हैं, उससे इस्तेदलाल भी करते हैं और इमाम शाफी से बहुत सो की तौसीक भी और दूसरे हजरात से भी, उसमें यह है कि एक मजलिस की तीन तीन की नीयत से नहीं थी, एक की नीयत से थी, ताकीद थी उनमें, तो इसलिए अल्लाह के नबी ने उनसे कसम उठवाई। और अगर कोई हजरत रुकाना की हदीस को इस हदीस को भी सही नहीं मानता तो ना ये सही ना वो सही, ये वाकया ही गलत है, इसमें इस्तराब है, बाकी सही है। बुखारी की अहादीस से साबित है कि एक मजलिस की तीन को नबी ने तीन करार दिया है। कुरान मजीद में तो ये मसला इतना वाज़ह बयान किया है, इतना वाज़ह कि उस वजाहत के बाद खुदा की कसम इस आयत का इंकार लाजिम आता है कि अगर कोई इस मसले को ना माने ऐसा मालूम होता है वो कुरान का मुनकिर है। मेरी इनके उलमा से बात हुई है लेकिन जवाब नहीं देते। कुरान में वाज़ह लफ्जों में अल्लाह ने क्या फरमाया के तलाक के मसाइल बयान किए कि तीन मुख्तलिफ तोहरों में दिया करो सूरह तलाक में, फरमाया वमन यत्तकिल्लाह जो अल्लाह से डरता है यजअल लहु मखरजा अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता रखते हैं। तो इससे सियाक व सबाक से पता चल रहा है कि शरीयत के मुताबिक तलाक दोगे तो मुसीबत से निकलने का रास्ता रहेगा, इकट्ठी तीन दे दी तो मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मुफस्सिर कुरान हैं वो भी इसी की यही तफसीर बयान करते हैं, मन तल्लक कमा अमरहुल्लाह यजअल लहु मखरजा। तो इसमें जो अहले हदीस हजरात का मसलक है ना इजमा के खिलाफ है। एक छोटी सी बात करके आगे चलता हूं, अहले हदीस हजरात के उलमा से मैं गुजारिश करता हूं, उलमा से अल्लाह से डरो, बीवी को हलाल और हराम करना मामूली काम नहीं है, इसमें मुहक्किक ना बने आप इतने बड़े, और अगर बनते हैं तो पूरी तहकीक करें। मैं दावे से कहता हूं बार बार किसी एक सहाबी का फतवा दिखा दो ज़ईफ सनद से दिखा दो जिसमें एक मजलिस की तीन को सहाबी ने एक कहा हो, किसी एक से कोई सनद दिखा दो। मशहूर बहुत है कि फला से मरवी फला से मरवी, मैं सर फटोल फटोल के थक गया, किताबें कंघाली हैं, खुदा की कसम कसम उठा के कह रहा हूं किसी एक सहाबी से किसी सनद के साथ, ज़ईफ और सही की बात तो बाद की होगी, किसी एक सहाबी से कोई एक सनद दिखा दो जो ज़ईफ हो या सही हो जिसमें सहाबी ने एक मजलिस की तीन तलाक का क्या फतवा दिया हो, एक हुई है, और मैं आपको दर्जनों दिखा दूंगा जो सही सनद हैं, तो एक भी नहीं मिलता। नबी से भी है, सहाबा से भी है, ताबईन के भी फतावा हैं, अइमा अरबा भी इस पे मुत्तफिक हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। तो अब ये बात हमने चलाई तो बात तय हो गई भी ठीक है बात कर लेते हैं। मैंने कहा फिर ठीक है आपको नहीं समझा सकता मैं,
खुलेआम बात करते हैं ताकि आप जो लोगों को फतवा दे दे कि बीवियां हलाल कर रहे हैं ना, उनके सामने बात आ जाए। तो बहुत बड़े आलिम थे उनके, उन्होंने मुझसे रिटर्न लिखवा भी लिया, दावा सिग्नेचर भी करवा दिए, सब कुछ तय हो गया, आई नहीं। फिर बुलाया उनको, भाई इतनी किताबें मैंने पढ़ ली हैं, इतना तैयारी कर ली है, तो बैठ के बात करते हैं। कह रहे हैं हम आपस में बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी कर रहा हूं, आप तो आलिम है, पढ़ लो तहरीरें। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप जो लोगों को कह रहे हैं ना कुरान हदीस की रोशनी में, तो इस पे बात हो जाएगी कि वाकई कुरान हदीस की रोशनी में इसका तसव्वुर है तीन तलाक एक का, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बताइए। तो बिल आखिर बहुत कोशिश की मगर वो वक्त दे के गायब हो गए। वक्त दे के, उनका नाम भी मैं बता सकता हूं आपको लेकिन बताऊंगा नहीं, किसी की शख्सियत को मजरूह करना मकसूद नहीं है। वक्त देने के बाद, तय करने के बाद, ऐन वक्त पर एक दिन पहले गायब हो गए कि नहीं मैं नहीं करता इस मौजू पर। तो इसलिए ये खूब मसला जहन में रखें कि अहले हदीस हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह से डरो मेरे भाई, इस मसले में अपने उलमा की अंधी तकलीद ना करें। अगर आपके आलिम कोई दलील देते हैं ना, आपको कोई हदीस दिखाते हैं, आए मुझसे पूछें उसका मतलब क्या है, मैं आपको हदीस ही की रोशनी में मतलब बताऊंगा, समझ रहे हैं। फिर कहीं सऊदीया से फतवा उठा के ले आते हैं, सऊदी अरब के भी अक्सर उलमा तीन तलाकों को तीन ही मानते हैं, दो चार उलमा हैं लेकिन उनकी शोहरत ज्यादा है इसलिए वो फतवा मशहूर हो गया। वरना सऊदी अरब के उलमा जो तीन को तीन कहते हैं वो बड़ी शिद्दत से कहते हैं और उन पर बहुत सख्ती से रद्द करते हैं। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बास जो सऊदीया के मुफ्ती आजम थे, उनकी जाती राय थी कि तीन एक होती हैं, लेकिन उनके जो उस्ताद थे ना आले इब्राहिम शेख नाम था उनका, उन्होंने अपने शागिर्द की सख्ती से नफी की है। किसी ने बताया कि इन्होंने ये फतवा दिया, उन्होंने फरमाया अख्ता इब्न बाज बिन बाज ने इस मसले में गलती की है। तो खुद सऊदीया को अगर फॉलो करना है तो वहां की अक्सरियत को देखा जाए, सऊदी अरब की अदालत के कानून को देखा जाए। सऊदी अरब की अदालत में किसी जज को इजाजत नहीं है कि तीन तलाक को एक करार दे दे। तो लेकिन हम तो सऊदीया के उलमा को भी आज के आलिम समझते हैं ना, ये भी कोई नूर के बने हुए तो नहीं है ना। ठीक है, हम उलमा का एहतराम करते हैं मगर वो भी कोई नूर के बने हुए थोड़ी हैं। तो इल्म तो दुनिया में मुंतशिर है, बात यह है कि अगर दलील से बात करनी है तो फिर या तो दलील लेकर आओ, दलील नहीं तकलीद की बात करते हो तो फिर अइमा अरबा की तकलीद ज्यादा बेहतर है, जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया, सहाबा कराम को और अइमा अरबा को। खैर, तो एक तो ये मसला, दूसरा जो अहले हदीस हजरात जो जुराबों पर मसा कर लेते हैं आम कपड़े के मौजों पर, यह बिल्कुल बातिल है, इसका कोई सबूत नहीं है, समझ रहे हैं बात को, इजमाई उम्मत के खिलाफ है ये। इसलिए नमाज जैसी मोहताज चीज में यह हरकत ना किया करें। तीसरी चीज अहले हदीस हजरात की, तलाक मुअल्लक। एक आदमी कहता है कि अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक है। अब घर में दाखिल हुई, सारी दुनिया के उलमा अइमा अरबा भी सहाबा ताबीन का इत्तेफाक है कि तलाक वाके हो जाएगी। अहले हदीस हजरात में बाज हजरात कहते हैं कि कसम का कफारा दे दो तलाक नहीं होगी। तो ये मजहब भी बिल्कुल बातिल है, सही नहीं है। दलाइल की दुनिया में है तो आए, कोई हदीस तो पेश कर देता है, तो आओ मैं बताता हूं, बैठे मेरे पास मैं बताऊंगा ये हदीस में तर्जमा क्या बनता है इसका, इसका मतलब क्या है। तो तीन मसले हो गए। बीवी को अगर किसी ने कह दी ना अगर तूने यूं किया तो तलाक, तो जब यूं करेगी तो हो जाएगी तलाक, उसमें रिवर्स गियर नहीं है, समझ रहे हैं बात को। ये तीन मसले हो गए। चौथा मसला क्या था, तीन हो गए, तलाक मुअल्लक का मसला हो गया। इसी तरह हालत हैज में तलाक, अगर कोई हालत हैज में बीवी को तलाक दे दे तो अहले हदीस में से बाज उलमा, सब नहीं, बहुत से तो इनके कहते हैं हो जाती है तलाक, लेकिन बाज कहते हैं तलाक नहीं होती। ये मजहब भी बिल्कुल बातिल है। इसमें नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो अहले हदीस आलिम है, उन्होंने भी एतराफ किया है कि हालत हैज में तलाक हो जाएगी। दलाइल के अभी वक्त नहीं है, कोई इश्काल करे तो मेरे पास ले आए, तहकीक करनी है ना। कहते ना मुकल्लिद नहीं है, तो भाई फिर आओ ना, मुहक्किक बने तो तहकीक करो ना, हम तैयार हैं बैठने के लिए। चार मसले हो गए, ये चार बुनियादी अहम मसले हैं। तो अच्छा, ये जो आठ रकत तरावी का मसला है ना, ये भी इसी में दाखिल है। आठ रकत तरावी पर मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है, लेकिन चूंकि तरावी का मसला इतना अहम नहीं है इसलिए हम इसको छेड़ते नहीं है, सुन्नत है ना, तो चलो बीस नहीं आठ ही पढ़ ले, कुछ तो पढ़े। वरना हकीकत में यह है कि मैंने उस दिन बयान भी किया था, वो अपलोड नहीं हुआ, मैंने अपलोड होने से जानकर मना कर दिया क्योंकि उस बयान में दरा तुरशी थी, तो मैं नहीं चाहता किसी में आग लगाना,
सही है ना, कि किसी के मसलक में आग लगाई जाए। और मैं चाहता हूं कि उस बयान को बहुत ही मुहज्जब और शाइस्ता अंदाज से करके फिर अपलोड किया जाए ताकि वो दलाइल भी सामने आ जाए, वरना 8 रकत तरावी के वजूद पर मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है। एक हदीस है मुअत्ता की, मुस्तरब हदीस है। अच्छा, लेकिन ये मसला चूंकि इतना अहम नहीं है, 8 पढ़े 20 पढ़े कुछ तो पढ़े ना आके, इस चक्कर में ऐसा ना 8 से भी जाए, चलो पढ़ ले चलता है, तो इतना अहम नहीं है। बाकी जो मसले है ना, मोजों पे मसा, ये नमाज जाया होती है इससे, समझ रहे हैं। इसी तरह तलाक के जो मसले हैं 2-3, ये गड़बड़ है, इनमें इजाजत नहीं है। तो अगर कोई अहले हदीस इन चंद चीजों का एहतमाम कर ले फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इख्तलाफी मसाइल वही शाफी में भी मिल जाएंगे, हनाबिला में मिल जाएंगे, रफुल यदैन करते हैं तो लोग शाफी भी कर लेते हैं, सही ना। तो हमने कभी किसी शाफी को पत्थर मारा उठा के? अच्छा, एक और बात अहले हदीस हजरात कर लें, वो ये है कि आपका अगर मसाइल में इख्तलाफ है तो आप फरोई मसाइल की पब्लिक में तबलीग ना करें, ये इस जमाने की बिदत है। फरोई मसाइल मिंबर पे बैठ के उनकी तबलीग, जो छोटे छोटे फरोई मसाइल हैं, ये मिंबर पे बैठ के उलमा ने लिखा है, इस दौर की बिदत है ये। मिंबर पे वाजो नसीहत की बातें होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि ये फरोई मसाइल आज से नहीं है, सहाबा से इख्तलाफी चले आ रहे हैं, तो इनमें जो जैसे चल रहा है ना उसको चलने दें, समझ रहे हैं बात, जो जैसे चल रहा है उसको ठीक है, तू भी सही है मैं भी सही हूं। ये जो गड़बड़ है ना कि मैं सही हूं और तू गलत, ये तरीका सहाबा कराम का नहीं था। हम हदीस को फॉलो कर रहे हैं, ये सारे बेवकूफ हैं, ठीक है ना, ये जो बैठे हुए हैं ये गलत है मेरे भाई। अहनाफ बेवकूफ नहीं है, हनफी वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में इस्लाम लाए हैं, और हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान नहीं था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और अफगानिस्तान में भी यही लोग लाए हैं। और ये जो 1000 साल हुकूमत की है और हिंदुओं से लड़ाइयां हुई, सिखों से जिहाद हुए, अहले इस्लाम का जो दिफा किया, टीपू सुल्तान, महमूद गजनबी, जितने बड़े बड़े लोग सारे हनफी थे, तो ये कैसे गलत हो सकते हैं भाई। फिर हरमैन पर 700 साल हुकूमत की है अहनाफ ने, मस्जिद हराम पे, समझ रहे हो। जब अहनाफ की हुकूमत खत्म हुई तो हनाबिला की हुकूमत आई, आज हम्बलियों की हुकूमत है, वो भी तो आइम्मा अरबा के फॉलोवर्स हो गए, नहीं हो गए। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो थे ना, जो सऊदी हुकूमत को सबसे ज्यादा ताईद करने वाले थे, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनके अल्फाज हैं उनकी तहरीर में, ला नुनकिरु अहदन अला मन कल्लद अहदम मिनल अइम्मतिल अरबा, जो इन चारों अइम्मा में से किसी की तकलीद करता है हम उस पर रद्द नहीं करते, इसको बरहक समझते हैं। और उनसे पूछा कि आपका मजहब क्या है, उन्होंने फरमाया कि हम अबू इमाम अहमद इब्ने हंबल के मुत्तबीइन में से हैं, उनके मजहब को फॉलो करते हैं, समझ रहे हो। उनके बेटे जो थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बेटे, उन्होंने पूरी अपने वालिद के अकायद पर एक तहरीर लिखी है, उसमें उन्होंने ये वजाहत की है कि हम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ताला से बहुत मुतासिर हैं, उनकी तहरीरों को पढ़ते हैं, मगर हम मजहब किसका फॉलो करते हैं, हनाबिला। फिर आगे दलील दी है कि इब्ने तैमिया का मजहब है 3 तलाकों को एक कहना, मगर ये चूंकि अइमा अरबा के मजहब के खिलाफ है लिहाजा हम इस मजहब को कबूल नहीं करते। तो ये असल उलमाए सऊदिया जो हरमैन के थे वो ये थे। अब पता नहीं क्या खिचड़ी पक गई है वहां पर मस्जिद नबवी में, मेरे पास फोन आते हैं, एक मौलवी साहब बैठे हैं उर्दू स्पीकिंग, लोगों को बोलते तकलीद शिरक है, रफुल देन यूं और वे टांगे चोड़ी, और ये भाई मस्जिद नबी में तुम बैठे हो अल्लाह के बंदो, यहां फंकार आ रहे हैं, जानी आ रहे हैं, अदाकार आ रहे हैं, हर जुमरा तो हर एक करता है, तो उनको बैठ के जिना के खिलाफ बातें बताओ, उनको बैठ के तुम वालदेन के हुकूक सिखाओ, नमाजी बनाओ, उनको भी फरोई मसाइल की आग में झुलसाया जा रहा है। मैं हज करने गया, वहां लड़के आ रहे हैं, हजरत यहां तो हमें पता चल रहा है हम पता नहीं घास खा रहे हैं 10-20-25 साल से, हमारी तो नमाजी नहीं हो रही, तो बैठे हुए। तो ये इस जमाने, ये जो जमाना है ना, ये फितनों का दौर है, इसलिए ये इसमें थोड़ा सा अहले हदीस हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि ये बहसे अवाम में छेड़े नहीं, जैसे शाफी छेड़ता है कभी, यहां कितने शाफी हैं, कभी छेड़ा के ये इमाम साहब ये क्या कर रहे हो तुम, कुनूत नाजला क्यों नहीं कर रहे फजर में, ठीक है। और हमने शाफियों के पीछे नमाज पढ़ी है, हमारी मस्जिद में एक इमाम जो थे वो शाफी मसलक के थे, वो नमाज पढ़ाते थे, वो जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ते थे सूरह फातिहा से पहले, जोर से आमीन भी कहते थे,
हमारे मौली साहब ने कहा था ये भी होती, ये भी है भाई, ये भी साबित है, चुप करके पढ़ते रहते थे उनके पीछे, हरमैन भी तो जाके पढ़ते नहीं पढ़ते। तो इसलिए ये जो शिद्दत है ना, ये अरबों में भी ये बहुत, बाज अरब उलमा ने ये शिद्दत का माहौल पैदा किया है, बाज अरब उलमा ने भी ये पैदा किया है, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। और वही चीज फिर हमारे पाकिस्तानियों के पास आ गई और पाकिस्तानियों ने उसमें क्या कर दी, आग लगा दी। तो इसलिए मैं दो चार बातें जल्दी से बताऊं, ये जो इतना ज्यादा हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हुआ, ये सारा उलमा का किरदार था, जिनको जो है ना उलमा देवबंद कहा जाता है या अहनाफ कह ले आप, उनका किरदार था। फिर जितने हिंदुस्तान में बड़े बड़े फितने पैदा हुए, परवेजी फिरका जो मुनकर हदीस था उसके खिलाफ हमारे उलमा ने बहुत जबरदस्त काम किया है। फिर तबलीगी जमात को देख लो, ठीक है जमात में खामियां हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमानों का इतना मुनज्जम नेटवर्क, इतना मुनज्जम, ये फिकह हनफी की तबलीग के लिए नहीं है, याद रखो, अगर होता तो इसमें शाफी ना होते, इसमें अहले हदीस ना होते, पूरी दुनिया में खालिस इस्लाम की बात करने वाले। ये काम भी किसने शुरू किया है, अल्लाह ने अहनाफ से लिया है, किसी की तौहीन मकसद नहीं है। मैं ये बता रहा हूं सामने वाले को कि एक चीज को तस्लीम करो, हकायक से इंकार मत करो। फिर खत्म नबूवत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे जो कादियानियों ने क्या कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया में कई कई ममालिक को कादियानी बना चुके थे, छोटे छोटे मुल्क ऐसे हैं जो कादियानी बन चुके थे, जिन तक आपकी दस्तरस भी नहीं है। ये खत्म नबूवत के उलमा थे, अताउल्ला शाह बुखारी के शागिर्द, उन लोगों ने पूरी दुनिया में काम किया और आज तक कर रहे हैं। ये सारे कौन लोग थे, ये भी हनफी हैं। तो वही जो सेटअप सदियों से चला आ रहा है, उस सबको गुमराह कह देना। मैं बताता हूं ना, हमारे जानने वाले थे, अहले हदीस थे, तो वो फिकह हनफी की तरफ आ गए। किसी ने पूछा क्यों कह रहे, मैं एक दफा पेशावर में था तो मुझसे किसी ने कहा कि अब पेशावर में भी हमारा मसलक तेजी से फैल रहा है। कहते मैंने कहा पेशावर में इस्लाम आए हुए तो 1000 साल हो गए, तो वो क्या आया था, अब अगर जो चीज फैल रही है तो वो इतने साल से ये क्या खा रहे थे, घास खा रहे थे पेशावर वाले लोग 1000 साल से, ये क्या मुसलमान नहीं थे, ये बातिल थे, बिदती थे, समझ रहे बात को। कह रहे ये चीज ना मेरे दिल पे आके लगी कि ये इतना तंज क्यों किया जा रहा है पेशावर के मुसलमानों पर कि ये सारे गलत थे, अब सही मसलक फैल रहा है। कौन सी सदी में, जब पेशावर में 1000 साल पहले इस्लाम आया था तो वो गलत था, अब एक चीज सही सही फैल रही है। तो सिर्फ पेशावर नहीं, मुल्तान, पता नहीं कहां कहां जाके देखो, पूरा बर्रे सगीर। तो इसलिए भाई मैं अहले हदीस हजरात से गुजारिश करता हूं, तंज मकसद नहीं है, तंज मेरे पास यहां अहले हदीस मसला पूछने आते हैं, पूछते हैं रफूल दैन, मैंने कहा भाई अगर आपको है इत्मीनान, आपका मसला क्या, तो करते रहो, मैं नहीं रोकूंगा आपको। फिर मैं उनको इतनी बात कह देता हूं कि तहकीक जो है ना, तहकीक आप इसके अहल नहीं है, फिर भी ज्यादा नहीं छेड़ता, चलो वही सही, यहां आते हैं गपशप है, दोस्ती है, मेरा वो तर्ज नहीं है जो आम तौर पर एक होता है, बिल्कुल ही किसी को वो कर दो। हमारे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाई ये जो अहले हदीस लोग हैं ना, ये थोड़े थोड़े अगर रहते हैं तो इनसे एक असलाफ की याद भी ताजा होती है। असलाफ में बाज ऐसे थे जो बस हदीस के जाहिर को लेते थे, ज्यादा गहराई में नहीं आते थे, तो फरमाए चलो एक थोड़ा सा असलाफ का एक नमूना नजर झलक सी आती, इतना कुशादा दिल था, सही है ना। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से खातून बैठ थी, अहले हदीस मसलक से थी, उनके शोहर अहले हदीस से, तो उन्होंने कहा मेरा पूरा खानदान अहले हदीस है, इसी मजहब पे चलते हैं। हजरत ने नहीं उनसे कहा कि आपको हनफी बनना जरूरी है, चलो ठीक, बस यही चंद एक मसाइल की पाबंदी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि बेहतर यही है, अफजल यही है कि इंसान उस मसलक को फॉलो करे जो सदियों से चला आ रहा है, उसमें मजबूती ज्यादा है। जो उसके खिलाफ प्रोपेगंडा हो रहा है ना, वो मेरे पास आए, उलमा के पास जाएं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे ये प्रोपेगंडा है, असल ये नहीं है। हमारे अकायद जो उलमा है देवबंद के बारे में इंटरनेट पर है ना, मुशरिक थे, तो नहीं थे मुशरिक भाई, गलत सलत बताया जा रहा है, उनकी जिंदगियां तौहीद तौहीद परस्ती में गुजरी है। देखो एक छोटी सी बात करता हूं मैं, छोटी सी, फिर आगे चलता हूं। बस एक साहब यहां आए, उनको भी अहले हदीस ने उलमा की किताबें दिखा दिखा के, तुम्हारे फलाने कासिम नानुती मुशरिक, कबर परस, फलाने कबर परस, फलाने कबर परस। तो कहते मेरे, मैंने कहा कि अगर ये सारे उलमा देवबंद कबर परस्त होते तो इनके शागिर्द शाह और शागिर्द तो आज भी हैं, तो उनको तो हमने कभी नहीं देखा कब्रस्तान पे मुजाविर बन के बैठे हुए हों। अगर बाप दादा ऐसे होते तो कोई तो नजर आता ना इनमें, कोई भी तो नहीं है। इसका मतलब है ये किताबों की कुछ गड़बड़े हैं, हकीकत कुछ और है, तहरीर की गलती है, या सियाको सबाक से हटके बात बताई जा रही है, या ऐसे है नहीं जैसा दिखाया जा रहा है, या वो वाजिबुत तावील है,
बास चीजें होती हैं जाहिर कुछ और होता है, लिखने वाले की नीयत कुछ और होती है, यह करामत के कबील से है। फिर इसकी एक और मिसाल दूं, मैंने इंटरनेट पर तबलीगी जमात के बारे में सर्च किया, अरब उलमा की तबलीगी जमात के बारे में क्या राय है, तो वहां के शेख बिन बास का फतवा था इसमें निकलना हराम। मैं उठ तड़बड़ा गया, मैंने कहा इतने बड़े आलिम बुजुर्ग माशाल्लाह नेक आदमी ऐसा फतवा, और भी उलमा का। अब अगर दलील कुछ और देते ना, जो यहां पर लोग इश्कालात करते हैं यूं करते हैं यूं करते, बात समझ में भी आती। दलील क्या दी है कि ये कब्र परस्त हैं, ये क्या है, हवाले किताबों से, फला किताब में इनके अकाबिर ये थे, फला किताब में। अरे भाई मुशाहिदा करके देखो, ठीक है ना, आज तक किसी तबलीगी को कब्र के सामने झुका हुआ देखा? ऐसे वाकयात तो बहुत हैं कि मजारों पे जा जाके जो सजदा कर रहे हैं ना, उसको उठा उठा के सरोजा लगवाए, उससे बोला है भाई अल्लाह से होने का यकीन। तो एक किताबों की जो है ना, किताबों में बड़ा कुछ होता है गिच पिच कर करा के, प्रैक्टिकली देखो ना अमली क्या हो रहा है। तो फिर उसने जो है ना, वो जो जिसको अहले हदीस हजरात ने वरगलाया था कि तुम्हारे अकाबिर देवबंदी मुशरिक, उसने फिर मेरा हवाला दिया, कह रहे मैं तो उनके बयान में 3-4 साल से बैठ रहा हूं, हमेशा कब्र परस्ती के खिलाफ ही बयान किया है, और मेरे अकाबिर सारे उलमा देवबंद हैं, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख थे, वो थे मौलाना अब्दुल गनी फुलपुरी के खलीफा, और अब्दुल गनी फुलपुरी मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह के। तो ये सारा सिलसिला है। तो मेरे भाई अगर ये सारे हमारे बाप दादे कब्र परस्त होते, हलवे मांडे वाले होते, तो हम भी वही कर रहे होते। जब हम नहीं कर रहे इसका मतलब है वो भी नहीं थे। तो बड़ा फितना इंटरनेट पर और इधर उधर फैलाया है। तो मैं अहले हदीस हजरात से ये यूं समझ लो कि ये बयान ही उन्हीं के लिए है, ठीक है ना, ये बात आ गई बस अल्लाह ने कहलवा दी, उनसे गुजारिश करता हूं उम्मत में जोड़ पैदा करो, आग ना लगाओ, फरोई इख्तलाफी मसाइल को हवा ना बनाओ, और सऊदी अरब के जो बाज मुतशद्दिद उलमा हैं उनसे मुतासिर ना हो। समझ रहे हो बात को, उनमें भी बाज उलमा में बड़ा तशद्दुद है सऊदी अरब के, अगरचे वो नेक क्यों नहीं है, नेक होना अलग चीज है, लेकिन फकाहत बसीरत उम्मत के इज्तिमाई हालात पे नजर ये एक अलग चीज है। सऊदी अरब में भी दोनों तरह के हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इन चीजों को गलत समझते हैं। मैंने बताया था ना सऊदी अरब के एक मुफ्ती आजम का फतवा तरावी के बाब में बताया था कि उन्होंने से किसी ने सवाल पूछा, वो आले इब्राहिम जो शेख थे जिनका इंतकाल हो गया, वो जो शेख बिन बास के भी उस्ताद थे और सऊदी अरब के मुफ्ती आजम थे वो शेख बिन बास से पहले, उनसे किसी ने 20 रकत तरावी का मसला पूछा, तो उन्होंने दलाइल दिए कि भाई तरावी 20 रकत ही सुन्नत है, लेकिन आगे लिखा कि भाई जो 8 पढ़ रहा है ना किसी मस्जिद में रिवाज है, छेड़छाड़ नहीं करो, ठीक है ना। क्यों? फिर आगे दलील दी कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की 4 दीवारी की तामीर को बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? इसलिए कि अरब में फितना पैदा हो जाएगा, यकीन नहीं है, लड़ाई होगी झगड़ा होगा, तो झगड़े की खातिर बैतुल्लाह की दीवार को छोटा रहने दिया। तो अगर झगड़े से बचने के लिए 8 रहने दी जाए, उम्मत 8 पढ़ के घड़ी चली जाए मगर घर चली जाए मगर आपस में मोहब्बत दिलों में लेके जाए, ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत 20 पढ़ के जाए और आपस में लड़ रही हो, तूने भी 8 पढ़ी, तूने यूं कर दिया, तूने यूं कर दिया, दलाइल मुनाजरे और फिर वो, तो कितनी बेहतरीन राय, सही है ना। तो ऐसे उलमा भी हैं सऊदी अरब में, इनको क्यों फॉलो नहीं करते भाई? तो जैसा आदमी होता है ना उसको वहां अपने मतलब की वैसी चीज मिल जाती है। अब देखो मैं पंजाब गया ना, तो पंजाब में जरा माहौल है तशद्दुद वाला, वो कहते हैं एक दूसरे के खिलाफ जब तक कुफर के फतवे नहीं लगाओ मजा नहीं आता, सब जगह नहीं बाज इलाकों में। वो मुझसे हाँ आके कभी अहले हदीस के खिलाफ वरगलाते थे, कभी बरेलवियों के खिलाफ, कभी हयातियों के, तो कभी ममातियों के, कभी यूं और यूं। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, मैं यहां क्या करने आया हूं, शराब लोग पी रहे हैं, मुझे आप तरगीब दें कि हजरत शराब आम होती जा रही है उसके खिलाफ बयान करें, जिना आम हो रहा है उसके खिलाफ बयान करें, बेपर्दगी आम हो रही है उसके खिलाफ बयान करें। तो अब क्या होता है कि इंसान एक तो जिस माहौल में रहता है वैसा होता चला जाता है, थोड़े दिन में हम भी वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना। एक चैलेंज 20 साबित 8 रकत को कोई साबित करके बताए, जो जिस मिजाज का होता है ना हर चीज को वहीं घुमा के ले आते हैं। एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊं आप लोग को मजा भी बहुत आएगा। एक साहब थे बड़े खतीब लोग होते हैं ना, 1.5-1.5 फुट मेंबर पे उछलते हैं, जो ना माने वो भी काफिर, जो माने वो भी काफिर। मैं खुदा ना खास्ता सिपाही साहबा पे तंज नहीं कर रहा, एक मिसाल दे रहा हूं। सिपाही साहबा वाले तो बहुत मुखलिस हैं और उनकी कुर्बानियां का कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जो खतीब है ना वो हर बात को खिताबत के अंदाज में लेके आएगा। तो एक खतीब साहब थे, उनको शौक हुआ फिकह पढ़ने का, बल्कि फिकह पढ़ाने का। उन्होंने मदरसे में कहा कि मुझे जो है ना कुदूरी दे दे या कोई किताब दे दे,
मैं मसाइल सिखाना चाहता हूँ। उस्ताद थे वो, दे दी भाई, वुजू के मसाइल पढ़ा रहे थे। अब कहने लगे देखो मेरे बच्चों, वुजू के चार फर्ज हैं। कितने? चार फर्ज। तबलीग वाले भी बताते हैं ना, चार फर्ज। सर के बालों पेशानी से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, एक फर्ज। दूसरा फर्ज कोहनियों समेत पूरा हाथ धोना। तीसरा फर्ज एक चौथाई सर का मसा करना। अब जोश में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये बात आराम से भी तो कही जा सकती। चौथा फर्ज, चौथा फर्ज बोलो, चौथा फर्ज पूरे पांव टखनों तक धोना, और अगर मोजे हों उन पे मसा करना। सही है ना, अब जोश में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और वुजू की सुन्नतें, कुल्ली करना, नाक में तीन दफा पानी डालना, पांच टाइम मिसवाक करना, किताब बहेश्ती जेवर सफा नंबर फला, अगर किताब बहेश्ती जेवर ना हो सफा नंबर फला हो, मुझे जूतों का हार पहनाना, जो सजा चोर की हो मुझे देना, मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना। लोग कह रहे हैं क्या हो गया मौली साहब, क्या इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? कह रहे हैं दलील दे रहा हूं दलील, किताब बहेश्ती जेवर ना हो, सही है ना, सफा नंबर फला ना हो, तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए मुझे जो सजा चोर की मुझे देना। तो तलबा कहने लगे हजरत आप पे यकीन है तभी बिठाए हुए हैं, नहीं जरूरत हमें आपको चोर बनाने की ना फांसी के फंदे पे लटकाने की, क्यों जज्बाती हो रहे हैं? तो जो जिस डिजाइन का होता है ना, हर बात को घुमा के उसी तरफ ले आता है। ये मिजाज खत्म करो। ये अहले हदीस हजरात से भी कहता हूं, और जो हमारे लोग करते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं। मैं क्या, हमारे बड़े कहते हैं, मैं तो छोटा मुंह, मेरी कोई औकात क्या है नसीहतें करने की? हमने अपने बड़ों से ये नसीहतें सुनी है कि आग ना लगाओ, आग ना लगाओ, एतदाल से चलो, जोड़ की कोशिश करो। फिलिस्तीन में देखो यहूदी कैसा पीट रहा है तुम्हें, कैसी ठुकाई लगा रहा है यहूदी, जो है यहूदी किस तरह मार रहा है इसराइल। उन बच्चों की तस्वीरें देखो इंटरनेट पर, बर्मा में देखो कंटेनर के कंटेनर जला रहे हैं। उन हालात में ये इंटरनेट पर ये चीजें शाया करना, मौलाना कासिम ननोत्वी माजल्ला काफिर, रशीद अहमद गंगोही मुर्तद, तबलीगी जमात दायरे इस्लाम से खारिज, वो यहूदी हंसेगा बोलेगा क्या कर रहा है तू यहां बैठ, रफुल दैन जो नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती, ये सारे ऐसे ही है और यूं है और यूं है। एक आदमी ना नमाज का ना रोजे का, मेरे पास दिन में दर्जनों फोन आते, मैं थक गया हूं। हजरत वो अहले हदीस ने ये इश्काल किया, हजरत वो बरेलवी है, बरेलवियों का एक उनका हिसाब है बेचारों का, वो भी इसी में लगे रहते हैं सारा दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं का मतलब मौजूद हैं पे जोर लगाते रहेंगे, हैं का मतलब मौजूद हैं, जिंदा हैं। मैं एक दफा यहां से गुजर रहा था, जुम्मे का वक्त था, तो उस वक्त मैं इमाम नहीं था यहां पे, तो मैं इत्तेफाक से कहीं बस में या गाड़ी में, मुझे याद नहीं टैक्सी में कि सफर करता हुआ जा रहा था, तो जो ग्रीन चैनल वालों की एक मस्जिद थी उसका स्पीकर खुला हुआ था बाहर, तो मैंने इनके बयानात कभी सुने नहीं आमतौर पे ना, तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि सुने तो सही है, कहते क्या हैं, वैसे ही कि इनकी भी तो सुनो ना बेचारों की, हो सकता है कोई सही बात कर रहे हो। तो जुम्मे की तकरीर हो रही थी, मैं खड़ा होकर सुनने लगा। तकरीर ये हो रही थी कि देखो मेरे भाईयो, हम जब तैयात पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, थे नहीं। फिर लोगों से बोलो भाई थे नहीं हैं। बड़ा मजा आ रहा था मुझे, दिल चाह रहा था इनके हाथ चुम ले जाके। थे नहीं, देवबंदी भावड़ी तो कहते हैं कि थे का मतलब दुनिया से गए, हम कहते हैं। पब्लिक हैरान है यार, वो देवबंदी सही है, ये सही है, थे या हैं? तो हैं का मतलब क्या है, अभी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है भाई तू, पब्लिक को क्या बता रहा है? वो लोग भी फिर उसी में डिजाइन के बैठे हुए होते हैं, उनको इसी में मजा आ रहा होता है। तो जब लोग भी हैं इसी में खुश हो रहे हैं, इमाम साहब भी इसी में खुश हैं, तो ये चीजों को खत्म करना चाहिए। आज इसी पे बहुत बात हो गई, यही इंशाल्लाह मुफीद होगी। बाकी जो आज हमने कुरान की तिलावत की है ना, वो इंशाल्लाह वो जल्दी से मैं एक बता दूं ना, इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलाम, असल जो बात चल रही थी अहले ईमान की, इसी पर मौजू आया ना यहाँ पे, कि जब जाहिल कलाम करता है तो सलामती की बात करते हैं, खाम खा की बहस मुबाहसा नहीं करते। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, फरमाए ये लोग रातें गुजारते हैं अपने रब के सामने सजदे और क्याम की हालत, सजदे में रोते हैं, क्याम करते हैं,
क्या करते हैं, यकूलूना रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, ये अजाब चिमट जाने वाला अजाब है। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इन्नहा साअत मुस्तकर्रा व मुकामा, बहुत बुरा ठिकाना है रहने का, अल्लाह इससे बचा ले। वल्लदीन ला यदउना मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते, ना या रसूल अल्लाह मदद, ना या गौसे आजम मदद, ना या अली मदद, सिर्फ किससे मदद मांगते हैं, अल्लाह से। वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिलहक, किसी नफ्स को नाहक कतल नहीं करते। वला यजनून, कभी जिना नहीं करते, कभी जिना नहीं करते। वमन यफअल ज़ालिका यल्का असामा, फरमाया जो शख्स ये काम करेगा, जिना करेगा या शिर्क करेगा या कत्ल करेगा, यल्का असामा, बहुत सख्त गुनाह से मुलाकात करेगा, वो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। युदाफ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके अज़ाब को बढ़ा के दिया जाएगा, सख्त अज़ाब में डाला जाएगा। वयख़लुद फ़ीही मुहाना, जलील होकर उसमें पड़ा रहेगा। इल्ला मन ताबा, कैसी अल्लाह की रहमत है देखो, फरमाया हां इल्ला मन तावा, किसी से हुआ और तोबा कर ली, सच्ची तोबा कर ली, माफ कर दे अल्लाह, अब नहीं करूंगा। वह आमना, अकीदा भी दुरुस्त कर लिया। अब तक या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद, नबी को हाजिर नाजिर मुश्किल कुशा समझता रहा, अब ख्याल आया तो तोबा कर ली, अब नहीं मांगूंगा किसी और से, अब सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। आमना वामिला सालिहन, और आइंदा के लिए अपने आमाल को दुरुस्त कर लिया। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, फरमाया इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल दूंगा। तौबा जब बहुत तगड़ी होती है ना, तो बुराइयां भी नेकियां से बदल जाती हैं। फरमाया वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, क्योंकि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। वमन ताब वामिला सालिहन, क्यों कबूल नहीं करेगा तौबा, इसका जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि फरमाया जो तौबा करता है और नेक अमल करता है, फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, वो किसी इंसान से माफी थोड़ी मांग रहा है। इंसान का दिल है तंग, इंसान ताना देता है कि इतनी बड़ी गलती करके अब किस मुंह से मांग रहा है, जब तक सजा नहीं मिलेगी माफी नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं इतने बड़े बड़े जराइम तौबा के बाद क्यों माफ कर देता हूं, इसलिए कि उसने किसकी रहमत का दरवाजा खटखटाया, किसका दरवाजा खटखटाया उसने, यतूबु इलल्लाही मताबा, फरमाया ये किसका दरवाजा खटखटा रहा है, ये अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह से। तो कैसे हो सकता है इतना बड़ा बादशाह जिसकी रहमत हर चीज पर गालिब, उससे भीख मांगे और वो इसे भीख ना दे अपनी रहमत की, ये मुमकिन नहीं है। इल्ला मन ताब व आमना व अमिला सालिहा, आगे फरमाया वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, ये लोग हैं जो झूठ में शिरकत नहीं करते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, ये झूठी गवाही नहीं देते, ये भी मफहूम हो सकता है। और फरमाया इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जहां लहवो लाइब और लगवियात हो तो इज्जत के साथ गुजर जाते हैं। इसमें गाने बजाने की महफिलें, शराब की महफिलें, मौसीकी और रक्स व सुरूर की महफिलें, फरमाए इन महफिलों में शिरकत नहीं करते। कहीं आवाज भी आ रही हो तो शराफत के साथ मुंह नीचे करके गुजर जाते हैं कि ये दुनिया परस्तों के काम हैं, जो आखिरत का मुतलाशी होता है वो इन चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता। आज फिलिस्तीन में मुसलमान बच्चों के सरों से फुटबॉल खेला जा रहा है, उसे कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और बैनुल अक्वामी जो फुटबॉल के मैच लगे हुए हैं ना, उनमें देखो कितनी दिलचस्पी, हारने पर रो रहे हैं, हारने पर। क्रिकेट के मैचों का ये हशर होता है, बर्मा में कंटेनर के कंटेनर जल जाते हैं, कतले बनते हैं, किसी की आंख से एक आंसू नहीं गिरता। पाकिस्तानी टीम हार के आती है, बेहोश पड़ी होती है कौम। तो अल्लाह पूछेगा नहीं कयामत में कि इन लहवो लाइब में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। तो अहले ईमान लहवो लाइब से दिलचस्पी नहीं लेते, वो लहवो लाइब जो उनको अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। खेलकूद इस्लाम में हराम नहीं है, खेलो गली महल्ले में मैदान में खेलो, जायज है, तफरी जायज, तस्वीर जायज है, लेकिन इन चीजों में इतनी दिलचस्पी, अहम चीजों को भूल कर इन सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहता है, और ऐसे जज्बात, हार गया तो क्या हो गया भाई, हार गया तो हार जीत तो बच्चों का खेल है, इसमें क्यों इतना दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मा वा उमियाना, फरमाया जब इनके सामने रब की आयात पढ़ी जाती है, इन्हें जब नसीहत की जाती है,
अल्लाह की आयात कुरान की आयतें कि ये करो ये ना करो, लम यखिरु अलैहा सुम्मा व उमियाना, तो अंधे और बहरे होके नहीं गुजरते जैसे पता ही नहीं क्या कहा। फौरन कान लगाते हैं हमारा रब हमें क्या कह रहा है। दुनियादार आदमी काफिर वो क्या करता है, मुझे क्या रब ने कहा कुछ या नहीं कहा, मैं तो वो कहूंगा जो मेरे बॉस ने कहा, जो मेरी बीवी ने कहा, जो मेरे दोस्त ने कहा। अल्लाह क्या कहता है ये तो मौलवियों की बातें हैं, अंधा बहरा होके गुजर जाता है। फरमाया जो रहमान के बंदे हैं वो ये काम नहीं करते। और फरमाया वल्लदीना यकूलून, आखिरी अलामत, हबलना रब्बना रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, वो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें हमारे अहलो आयाल बीवी और बच्चों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। क्या मतलब, उनको भी दीनदार बना दे ताकि उनकी नेकी, उनकी तहारत, उनकी नमाज, उनकी दुआएं, उनके सदकात को देखकर हमारी आंखें ठंडी हों। जब घर का सरबरा नेक होता है तो उसको बीवी नमाज पढ़ती हुई अच्छी लगती है, लगती है कि नहीं लगती। और अगर बेदीन हो तो फिल्म देखती हुई अच्छी लगती है। क्या ख्याल है, नहीं आ रही बात समझ में? अगर आदमी दीनदार हो तो बीवी कैसी जब पर्दे में नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, दुआ मांगेगी, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? इसका अपना मिजाज ऐसा है। और अगर ना हो तो बेपर्दा भी अच्छी लगेगी, फिल्म देखती भी अच्छी लगेगी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन इसी तरह औलाद का मामला है। अगर आपके दिल में जज्बा है तो आपको अपने बच्चे नमाज पढ़ते हुए अच्छे लगेंगे, कुरान की तिलावत करते हुए अच्छे लगेंगे, सदकात और खैरात करते हुए अच्छे लगेंगे। हमारे हजरत फरमाते थे, खवातीन को नसीहत करते थे कि जब किसी को सदका करो तो अपने बच्चों के जरिए करवाया करो। बच्चे से कहो बेटा जाओ फलां को पैसे देकर आओ, ताकि बच्चे में अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा पैदा हो। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ईमान वाले ये दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें हमारी बीवियों की तरफ से अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक दे। क्या मतलब, घर के माहौल को भी अच्छा बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। क्या मतलब, इमाम तो हम हैं, सरबरा तो हम हैं, लेकिन हमारे मातहत लोग फासिख फाजर नहीं होने चाहिए, शराबी कबाबी नहीं होने चाहिए। हमारी औलाद और हमारे बीवी बच्चे तेरे नाफरमान नहीं, वरना हम किसके इमाम बनेंगे, फासिकीन के। तो हमें मुत्तकीन का इमाम बना, मुत्तकीन का। और आगे अल्लाह ने फरमाया उलाइका युजज़ूनल गुरफता बिमा सबरू, जिसके अंदर ये अलामात है ना, ये अलामात, ये वो लोग हैं। अल्लाह हाथ से गोया इशारा कर रहे हैं, उलाइका जब हाथ से इशारा किया जाता है ना उस वक्त कहा जाता है। फरमाया उलाइका, ये लोग, ये जिनमें ये अलामतें तुम्हारे सामने जो मैंने बता दी, फरमाया ये वो लोग हैं, युजज़ूनल गुरफता बिमा सबरू, फरमाया इनको जन्नत के बाला खाने दिए जाएंगे उस सबर की वजह से जो उन्होंने दुनिया में किया है। पता चला इस माहौल को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सबर भी करना पड़ता है। फिल्में लाने के लिए कोई सबर, घर में लाए, नेट लगा दें, सुबह शाम फिल्में देखें, इसके लिए सबर की जरूरत नहीं। बेसबरी इसके लिए बहुत मुफीद है, बेसबरी से यह काम बहुत अच्छा होता है। और माहौल बनाने के लिए, खुद को बनाने के लिए सबर चाहिए। फरमाए ये वो लोग हैं कि इन्होंने चूंकि सबर किया, इस सबर के बदले में इनको जन्नत के बाला खाने, दुनिया में भी इनका घर का माहौल जन्नत बनेगा और आखिरत में भी इनको जन्नत के बाला खाने दिए जाएंगे। वह युलक्काउन फीहा तहियतं व सलामा, और हर तरफ से इनको सलामती की जन्नत में सदाएं आएंगी, हर तरफ से इनको सलाम किया जाएगा। आगे अल्लाह ने सूरत को खत्म किया, कुल मा याबू बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, देखो तुम्हारे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है अगर तुम उसको नहीं पुकारते, उसको नहीं मानते। उसको मानोगे तो सब बातों पर अमल भी होगा और तुम्हारा रब तुम्हें चाहेगा, मोहब्बत करेगा। नहीं करते, कुफर में मर जाते हो, कोई परवाह नहीं। माया बहुबिकुम लौला, माया बहुबिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फकद कज़्ज़बतुम फसौफ यकूनु लिज़ामा, और अगर तुम इंकार करते हो ना जैसे कि कर रहे हो, अक्सरियत तो इंकार ही है, अक्सरियत को तो बातें समझ में नहीं आती हैं। फरमाया फसौफ यकूनु लिज़ामा, तो जहां सबर करने वालों के लिए जन्नत है, अन करीब तुम्हारे लिए जहन्नम है जो तुमसे चिमट जाएगी, लिजाम है वो तुमसे अलहदा होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला हमें इबादुर रहमान में शामिल कर ले और अहले नार से, अहले जहन्नम वाले आमाल से अल्लाह हमें बचा ले। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वा मा अलैना इल्लल बलाग। ये किसी ने मसला पूछा है भाई, बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, 365 दिन है तो क्या सूरज की तादाद भी नहीं, सूरज की तादाद 365 नहीं है।